तो तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे आप देख भी रहे बारवल बेंट ओवर रो, ये आपने तीनों का एग्जीक्यूशन भी देखा। सेम ऐसे ही टी बार रो, इसमें भी आपने देख ही रहे तीनों का जो एग्जीक्यूशन है। देखो मूवमेंट गलत और सही की कोई फिक्स यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ही करेगा। कोई यूनिवर्सल रूल नहीं की ये मूवमेंट बिल्कुल हरेक के लिए सूट करेगा, ऐसा नहीं है। सबका बॉडी मैकेनिक्स अलग अलग है, मसल की फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग है, जॉइंट की मोबिलिटी अलग अलग है। तो आप बिल्कुल किसी को कॉपी करके वो नहीं कर सकते अपनी एक्सरसाइज, थोड़ा सा अपने बॉडी मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वेरिएशन आएगा। जैसे तीन चार पॉइंट इसमें ध्यान रखने आपने, खासतौर से रोइंग एक्सरसाइज में। नंबर वन, आपका जो बैक का आर्क है वो मेंटेन रहे, जब आप लोएस्ट पोजीशन में तब भी, और जब आपने वेट को लिफ्ट किया है उस टाइम भी आपका बैक का आर्क चेंज नहीं होना चाहिए। नंबर टू, जब आप नीचे लेके आएंगे वेट को ड्रॉप करेंगे तो आपके लेट्स स्ट्रेच होने चाहिए, यानी रेंज ऑफ मूवमेंट आपका मैक्सिमम होना चाहिए। ऊपर जब लेके आएंगे तो आपने पीक पे आगे कॉन्ट्रेक्शन फील करना है, मसल माइंड कनेक्शन इसी को बोलते हैं। नंबर थ्री, मूवमेंट अंडर कंट्रोल रखे, वही है, थोड़ा सा स्लो रिलीज करें, थोड़ा सा फास्ट पुल कर सकते हैं, लेकिन जो पीक कॉन्ट्रेक्शन वहाँ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का पॉज अगर आप देंगे तो ज्यादा आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे एक्सरसाइज से। नंबर फोर, जो आपका पोजिशन ऑफ फ्लोर के पैरेलल भी नहीं होगा और बहुत ज्यादा ऊपर भी नहीं आएगा, जैसे मैंने दिखाया ना, पैरेलल से थोड़ा सा आप ऊपर रहेंगे और इसको मेंटेन रखना है थ्रू आउट द सेट। तो मेरा मैसेज यही है कि आप डिफरेंट लोगों को देखेंगे, चाहे वो प्रोफेशनल एथलीट है या नॉन प्रोफेशनल नॉन एथलीट है, तब भी थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा मूवमेंट में। आप बहुत जल्दी गलत और सही करने चले जाते हो, आप अपने मूवमेंट को अपनी तरफ से परफेक्ट करो जिससे आपको इंजरी ना आए, तो वो आपके लिए बेस्ट है। यही मैसेज था, थैंक यू।